जस्ट सम ग्लिच हैपनिंग ऑन यूट्यूब जो मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि 2 मिलियन तो कल ही हो गया था, अभी भी 2 मिलियन, अब कल को पता चले 1 मिलियन हो गया, वापस उल्टा शुरू हो गया, कुछ नहीं पता भाई क्या ये सोशल मीडिया का ग्लिच चलते रहता है। इसलिए मैं कभी व्यूज को देखती ही नहीं हूँ और व्यूज के बारे में सोचती ही नहीं हूँ, ये मेरा फंडा बेस्ट है। मुझे लोग पूछते हैं और मुझे पता ही नहीं होता। प्यार बहुत मिल रहा है यार, अलग ही लेवल का प्यार मिल रहा है। अगर एक इंसान अच्छे से परफॉर्म करता है तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन वही होती है। और मैं बीइंग टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ इंडिविजुअली, इसके बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा अभी क्योंकि मेरे को पता नहीं। मैं एज एन आर्टिस्ट आई एम अ वेरी परफॉर्मेंस बेस्ड आर्टिस्ट, तो मैं परफॉर्मेंस के बारे में बहुत सोचता हूँ। मैं 1000 टेक्स दे दूंगा अगर मेरे को लगेगा नहीं कि मेरे को सही नहीं मिला, अगर मेरे को फील नहीं हुई तो मैं 1000 टेक्स भी दे दूंगा दोबारा। बट इफ़ आई एम फीलिंग इट देन आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, एंड आई थिंक द वीडियो इज़ वेरी इमोशनली, आई कैन फील दैट वो वाइब है, वो फील है, वो है चीज़, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। सबसे गंदी फोटोज इसी ने खींची है मेरी, मैंने इतनी पैड़ी फोटो खींची है ना, मैं शेयर करूंगी क्या फोटोज इतनी अच्छी फोटोज की खींची हैं। और मैंने आई एम नॉट अ फोटोग्राफर बट मैंने कैमरा को पकड़ के इतना सही फोकस लेके, अब तेरी शक्ल ही ऐसी तो मैं क्या करूं। आपने बताया अपनी मेरी कैसी फोटो खींची है, यहां से ऐसी भाई, अभी बात बोली, अगर मुंह ऐसा है किसी का तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मैं तो फोटो खींच रहा हूं। अभी आप मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो बट मेरी शक्ल तो नहीं बदल सकते ना आप, है ना। केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिग बॉस के घर से ही हमने देखा था केमिस्ट्री आगे कंटिन्यू हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ मूवमेंट था, कोई ऐसा मूवमेंट शेयर कर पाओगे? मुझे ऐसा लगता है हमारी केमिस्ट्री हमारी लड़ाई में है, और हमारे जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अश्विन सर, उन्होंने वो फिगर आउट कर लिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था इनकी इंटेंस लड़ाई जो होती है, जो हमेशा होती रहती है, इसको मैं लड़ाई हटा के सिर्फ इंटेंसिटी रख दूँ, बट केमिस्ट्री नहीं, आई थिंक एक कम्फर्ट है प्रतीक और इसमें जो होता है, बिकॉज वी हैव बीन फ्रेंड्स इन द हाउस टुगेदर एंड एवरीथिंग। तो वो ही व्हेन वी वर शूटिंग एज वेल, आई थिंक वो ही ट्रांसलेट होकर के आप लोगों को अच्छी लग रही है या केमिस्ट्री के तौर पे आ रही है, क्योंकि वहाँ पे शूट पे भी आई थिंक 90% झगड़ा ही किया तो जो इमोशनल मोमेंट्स थे वो भी झगड़े में ही है, क्योंकि बहुत तंग करता है ये प्रतीक। मुझे अभी किसी ने उस दिन शेयर कर दिया कि मेरा एक और बिग बॉस के साथ वीडियो आ रहा है, तो गाना मेरा आ रहा है, अगला गाना आस्था के साथ आ रहा है, मेरा सोनी के साथ ही आ रहा है। बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि दो जो मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे उन दोनों के साथ मेरी एक म्यूजिक वीडियो हो चुकी है, एंड दोनों लोगों ने बहुत पसंद किया है। प्रतीक और मेरा तो आई फील लाइक मेरी डिसीजन भी नहीं होती, बिकॉज पीपल वर सो मच सिंस आई गॉट आउट, वी वॉन्ट टू सी प्रतीक एंड यू इन अ म्यूजिक वीडियो, हमें नहीं पता ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये तो होना ही था। एंड हाँ, झगड़े की जो इसने बात की, मुझे एक और चीज़ याद आई कि वी ऑल्सो बिन थ्रू इमोशंस टुगेदर, आई फील लाइक इवन वैन वी वर फाइटिंग, एक डायरेक्टर के एक्शन बोलने की ये थी, एंड बोथ ऑफ अस वुड इमीडिएटली गो इन टू लाइक अ अच्छा ठीक है चलो सब ठीक है टाइप्स। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस डिड यू गॉट फ्रॉम करण तुंद्रा एंड तेजस्वी? तेजा से मेरी अभी बात नहीं हुई है, बट करण ने गाना सुना था पहले जब कमले बन रहा था एंड एवरीथिंग, एंड उन्होंने वीडियो, मैंने उनको ही रिप्लाइड टू मी सेइंग इट लुक्स वेरी नाइस, आई वाज लाइक मुझे पूरी डिटेल में चाहिए, तो वो देंगे जल्द ही आई एम श्योर, उनका पूरा क्रिटिकल फीडबैक आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Busy near to Amisha.